स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फुल ग्रोथ वाली अंडर आर्म की वैक्सिंग। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम फिर से दोबारा से ऐसी फुल ग्रोथ वाली अंडर आर्म की वैक्सिंग की वीडियो डालिए। एक मैंने फुल ग्रोथ वाली अंडर आर्म्स की वैक्सिंग डाली थी, उसको आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस। और आज भी इसी टाइप की वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैंने इनकी अंडर आर्म्स की तो वैक्सीन की ही थी, साथ में मैंने उनके फुल हैंड की भी वैक्सीन की थी, बट वो वाली वीडियो मैंने नहीं ली है, सिर्फ अंडर आर्म्स की ली है। तो आप देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो किस तरीके से वीडियो किया है, कुछ भी ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपने मेरी ये गोल्डन कलर का जो हेयर कलर मेरा दिख रहा है, ये मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना। बहुत ही प्यारा कलर आया है बालों में। और ये मैंने रूम के अंदर हूँ, अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा सा रहता है तो इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन धूप में आप जाओगे तो बहुत ही प्यारा कलर दिखेगा। चाहे बाहर रोशनी में जाओ तो अभी भी अच्छा कलर दिख रहा है। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेकअप की वीडियो डाल दी है अपनी, ब्राइडल मेकअप की भी बहुत जल्दी डाल दूँगी, बहुत सारी ब्राइडल मेकअप की वैसे डाली हुई है, तो आप चेक कर लेना वहाँ पर। बहुत सारी हेयर कटिंग, लॉन्ग टू शॉर्ट हेयर कट, बॉब हेयर कट, बहुत सारी वीडियो डाली है, तो प्लीज़ चेक कर लेना। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते। ये देखिए कितना ज़्यादा इनका हेयर ग्रोथ था, एक ही बार में पूरा वैक्स हो गया और इतना पट्टी पे ये हेयर आए हुए हैं। तो इस टाइप का हेयर इनका अंडर आर्म का हेयर है। काफ़ी टाइम से इन्होंने वैक्स नहीं कराई थी इसलिए ज़्यादा ग्रोथ आ गई है। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा अच्छे से सीखने के लिए। तो आप देख सकते हो इनके हेयर की ग्रोथ किधर से है, सारे हेयर की ग्रोथ साइड से है, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले आप जब भी गर्मियाँ आ रही हैं तो अक्सर गर्मियों में वैक्सिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप अंडर आर्म को अच्छे से मतलब पानी से वॉश कर दीजिए। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा भी पसीना और मॉइस्चराइजर जो भी होगा वो निकल जाएगा और आपको वैक्सिंग करने में आसानी आएगी। तो अच्छे से वॉश करके इसको पोंछ दीजिए और फिर टॉवल से ड्राई कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस साइड से इनकी ग्रोथ है, सारे हेयर को इस तरफ हमने कर दिया है और फिर टॉवल से इसको अच्छे से पोंछ लेना है। तो इस तरीके से अच्छे से इसको ड्राई कर लीजिए। उसके बाद आप लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, कोई भी पाउडर, पॉन्ड्स का, जॉनसन बेबी, कोई भी आपके पास पाउडर हो, सूखा पाउडर लेके अंडर आर्म के हेयर्स को अच्छे से इसको डीप मतलब पाउडर से लगा देना है। पूरा अंडर आर्म का हेयर पाउडर में ढक जाना चाहिए इस तरीके से। तो मैं लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लगाना है आपको। ओके, पहले ही मैं वैक्स ले आई थी, मैं यहाँ पे कोल्ड वैक्स लगाऊंगी, बट वैक्स पहले नहीं लगाना है आपको, पहले आपको पाउडर लगाना है। तो ये मैं पाउडर ले आई यहाँ पे और इस तरीके से आपको अंडर आर्म के हेयर को पाउडर से पूरा ढक देना है। जिस तरफ से हेयर की ग्रोथ है उसी तरफ से आपको पाउडर भी लगाना है और वैक्स भी इसी तरफ से लगाना है। ओके, तो इस तरीके से पाउडर लगा लिया, उसके बाद से आपको वैक्स लगाना है। ये मैं कोल्ड वैक्स ले रही हूँ, गर्मियों के लिए हॉट वैक्स ठीक रहता है और सर्दियों के लिए कोल्ड वैक्स ठीक रहता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा अच्छे से वैक्स को लगा देना है ताकि हेयर अच्छे से ढक जाए आपके वैक्स में। और उसके बाद से आपको पट्टी लगानी है, पट्टी किस तरीके से लगानी है वो भी मैं बता देती हूँ। ओके, तो ये वैक्स लग गया है, आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने वैक्स लगाई हुई है। पूरे अच्छे से हेयर को ढक देना है वैक्स से। और ये देखिए पट्टी मैं यहाँ पे ले आई, और ये पट्टी का एक भाग दर्रा होता है और एक भाग सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट वाला जो होता है मुलायम वाला उसको आपको चिपकाना है और अच्छे से रब करना है इस तरीके से, अच्छे से पूरा चिपका लेना है। उसके बाद से आपको स्किन को, जैसे जो आपका अंडर आर्म है उसके पीछे का स्किन अच्छे से खींचना है पूरा टाइटली। और आप ये वैक्स मतलब पट्टी लगाने के बाद से अगर आपको लगे कि वैक्स चिपचिपा सा होता है तो उसके ऊपर आप दोबारा से पाउडर लगा, अगर पट्टी मतलब लगाने के बाद से चिपचिपा सा हो तो उस पर आप पाउडर लगा दीजिए इस तरीके से। उससे क्या होगा कि पाउडर मतलब वैक्स को सोख लेगा और अच्छे से चिपक जाएंगे पूरे हेयर, और पीछे से हेयर को स्किन को इस तरीके से खींचेंगे और एक ही झटके में मतलब रिमूव कर देना है। तो ये देखिए पूरा हेयर एक बार में रिमूव हो गया। और जब आप हेयर रिमूव करते हैं तो उस पर हाथ इस तरीके से ज़रूर लगा दीजिए, इससे कस्टमर को रिलैक्स फील होगा और स्किन भी अच्छी रहेगी। तो ये देखिए इतने ज़्यादा हेयर निकले हैं, ओह माय गॉड। तो इनका एक ही बार में पूरा हेयर क्लीन हो गया। अभी आप अंडर आर्म को अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे स्पंज की मदद से, अच्छे से क्लीन करके उसके बाद से आपको क्लीन करने के बाद से मॉइस्चराइजर लगाना है। तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद से आप कोई भी मॉइस्चराइजर ना हो आपके पास तो आप कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हो, वो भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
ओके ये देखिए कितना क्लीन और सॉफ्ट अंडरआर्म इनका हो गया है। और ये मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइज़र है ये। इसको इस तरीके से लगा के मसाज कर दीजिए 2 मिनट के लिए और आपके अंडरआर्म की वैक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए मॉइस्चराइज़र लगाने से आपके जो दोबारा हेयर निकलते हैं वो सॉफ्ट निकलते हैं और स्किन को भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो ये है पट्टी पे जो हेयर आए थे वो हैं, देखिए कितनी ज़्यादा ग्रोथ थी। और ये मैंने फुल हैंड की वैक्सिंग भी की थी तो ये सारी पट्टियाँ यहाँ पे पड़ी हुई थी तो मैंने बस पट्टियों की पिक क्लिक कर ली। ओके हैंड पे भी इनके काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।